Let's improve English. Hey friends, welcome to Let's Improve English. दोस्तों देखते हैं कुछ sentences का translation और हर sentence को हम अच्छे से समझेंगे एक एक part को कि वो किस तरीके से बन रहा है. विदेश कौन नहीं जाना चाहेगा? दोस्तों ऐसे हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा, इसमें हम would का use करते हैं. Who would not want to go abroad? कौन abroad नहीं जाना चाहेगा? Who would not? यानी कौन नहीं चाहेगा? Who would not want? क्या नहीं चाहेगा? To go abroad. Abroad जाना. कौन नहीं चाहेगा? Who wouldn't want to go abroad? अब दोस्तों spoken English में हमें short में बोलना चाहिए. जितना short बोलेंगे उतना ज़्यादा impressive लगेगा. Who wouldn't? तो would not को short में हम बोल देंगे wouldn't. Who wouldn't want to go abroad? अब दोस्तों want to को भी short में हम बोल सकते हैं कुछ. पता है क्या? Wanna. Want to को wanna बोलते हैं. तो ऐसे spoken English में हम बोलेंगे Who wouldn't wanna go abroad? कौन विदेश नहीं जाना चाहेगा? Who wouldn't wanna go abroad? इस तरीके से. तो दोस्तों आप अंग्रेजों को सुनते हो ना, मूवीज वगैरह देखते हो, आप कहते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं मूवीज में. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हद से ज्यादा शॉर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. वो आधे अक्षरों को खा जाते हैं. बोलते कुछ और ही है वो. बोलते वो वही सेंटेंस है लेकिन उसी सेंटेंस में ना वो चीजें खा जाते हैं, बीच बीच में शॉर्ट करके बोलते हैं वो उसको. Who wouldn't wanna go abroad? अब एक्चुअली में सेंटेंस है Who would not want to go abroad? अब वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे, वो तो उसको शॉर्ट में ऐसे ही बोलेंगे Who wouldn't wanna go abroad? Who wouldn't wanna go abroad? और आपको लगेगा ये क्या बोल गया यार, कैसे बोलते हैं, पता नहीं इनकी इंग्लिश कैसी है. उनकी इंग्लिश वही है, बस वो उनका एक्सेंट बहुत अलग है और वो बहुत फास्ट बोलते हैं. मेरे पास और कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए. दोस्तों कभी कभी हमें कोई काम बताता है, हम बोलते हैं मेरे पास इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है. आई हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू. आई हैव समथिंग यानी मेरे पास है, मोर इम्पॉर्टेंट यानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टू डू करने के लिए. I have something more important to do. मेरे पास करने के लिए कुछ और ज्यादा जरूरी चीज है, ये नहीं कर सकता मैं. मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया. अब दोस्तों इसको ट्रांसलेट करने से पहले आप सोचो ये कौन से टेंस में है. मैंने उसे छोड़ दिया हमेशा के लिए, यानी कि पास्ट है ये, सिंपल पास्ट है. मैंने उसे छोड़ दिया तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, यानी कि आए. सिंपल पास्ट का रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आती है. छोड़ देने को बोलते हैं लीव. लीव के सेकेंड फॉर्म लेफ्ट. आई लेफ्ट हर. मैंने उसे छोड़ दिया हमेशा के लिए, फॉर गुड. दोस्तों सुनने में देखने में लगता है फॉर गुड यानी अच्छे के लिए, नहीं. लेकिन दोस्तों फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए. आई लेफ्ट हर फॉर गुड. मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया. 16 साल की उम्र में अपने बलबूते पे जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है. दोस्तों देखिए इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे. बहुत मुश्किल होता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि टेंस कौन सा है. होता है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये. कोई काम हम प्रेजेंट की बात करें कि ऐसा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. यानी कि हर 16 साल के इंसान के लिए, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बलबूते पर जो है जिंदगी काटना, खर्चे करना. मुश्किल होता है. इट्स हार्ड यानी कि इट्स हार्ड लिविंग ऑन योर ओन व्हेन यू आर 16. जब 16 साल के हों तो अपने ही बलबूते पे जीना बहुत मुश्किल होता है. ऑन योर ओन का मतलब होता है अपने ही बलबूते पर, अपने आप ही, अपने खर्चे खुद उठाना. इट्स हार्ड लिविंग ऑन योर ओन. अपने आप पर ही रहना यानी अपने बलबूते पर ही रहना बहुत मुश्किल होता है व्हेन यू आर 16, जब आप 16 ही साल के हों. दोस्तों देखिए व्हेन का मतलब कब होता है, आपने बहुत बार सुना है. और देखिए यहाँ पर तो कब भी नहीं है फिर भी व्हेन आ रहा है, तो यही तो हमें सेंस पर जाना है. यहाँ पर तो व्हेन का मतलब जब हो गया. जब आप 16 साल के होते हैं तब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बलबूते पे सब करना. इट्स हार्ड लिविंग ऑन योर ओन व्हेन यू आर 16. पेपर देने जाने से पहले बस एक बार नजर मार लियो किताब में. दोस्तों ऐसे हम बोलते हैं ना कि पूरी किताब मत पढ़ियो, बस नजर मार लियो एक बार पेज पलट पलट के देख लियो. जस्ट स्क्रॉल थ्रू द बुक बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम. जस्ट स्क्रॉल थ्रू. स्क्रॉल थ्रू का मतलब होता है ऐसे पेज पलट पलट के जल्दी से देख लेना. जस्ट स्क्रॉल थ्रू द बुक बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम यानी जब आप एग्जाम के लिए जाओ उससे पहले एक बार बुक में स्क्रॉल थ्रू कर लेना, एक बार पेज पलट के देख लेना, इधर उधर नजर मार लेना. दोस्तों इस तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.